हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए नौकरी के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं रेसिंग। हम रेसिंग में जाएंगे आज। ये हमारा अपार्टमेंट, यहाँ का व्यूज़ बहुत अच्छा है यार। हमेशा जब भी मैं देखता हूँ ना, यहाँ बहुत सही लगता है। नीचे गाड़ियाँ नज़र आती है, यहाँ पहाड़ है, वाइनवुड का साइन है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं हमारे गैराज में। हमारा फूड मीटर 99 बता रहा है, स्लीप 76 बता रहा है, यानी आज का दिन चल जाएगा। और ये घर पे मैंने ज़्यादा देखा नहीं कैसा है, काफ़ी अच्छा है, पर इसमें मैंने अच्छे से टूर नहीं किया है पूरा। यहाँ पे क्या है ये हमारा? अरे फिर प्लेन गिरा क्या? आवाज़ आ रही है, फिर से प्लेन गिरा लगता है, क्रैश हुआ है लगता है। एक बार पहले भी हुआ था ऐसी। चलो गैराज में जाते हैं। आज मैं गाड़ी लेके जाऊंगा जो वो होगी फरारी, क्योंकि बहुत लोगों ने फरारी की रिक्वेस्ट की है, इसलिए फरारी लेके जाऊंगा मैं। और जेंटोर्नो यानी ये लैम्बोर्गिनी बोलते हैं जिसे, इसको मैं नेक्स्ट टाइम लेके जाऊंगा। जब हम मीकू के साथ जाएंगे उस दिन जेंटोर्नो लेके जाएंगे। तो आज देखते हैं फरारी लेके कैसा दिन जाता है। फ्यूल कितना है? फ्यूल आधा है, फ्यूल भरना पड़ेगा। तो पहले हम जाते हैं फ्यूल भरने के लिए। यहाँ से नज़दीक कौन सा? यही नज़दीक वाला है। चलो फ्यूल भरने जाते हैं और ये एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट के लिए थैंक यू। हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, आपके वजह से ही ये चैनल चलता है और आप सपोर्ट करते हो, आप कमेंट्स करते हो, आपकी रिक्वेस्ट मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। मार्ट्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे मार्ट्स है जिसकी स्क्रिप्ट नहीं है। मैं बार बार आपको समझाता हूँ, जैसे बैटमैन का सिर्फ मॉडल है, स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट होना ज़रूरी है, स्क्रिप्ट से उसकी पावर जाती है, समझ रहे हो आप? स्क्रिप्ट से पावर आती है उसकी। और सूट या स्किन बोलते हैं जिसे, जो सूट रहता है सिर्फ उसमें पहन के सिर्फ घूम सकते हैं हम, समझो जैसे शरीर बदल गया, सिर्फ पावर्स नहीं है। जो पावर्स रहती है वो स्क्रिप्ट से चलती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि बहुत ज़रूरी है स्क्रिप्ट होना। सब चीज़ों की स्क्रिप्ट नहीं होती है। जिन जिन की स्क्रिप्ट थी मैंने बना लिया। लकीली मुझे आयरन मैन मिला कल, तो आयरन मैन मिला तो मैंने आयरन मैन का वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग आप थे जो आयरन मैन का वीडियो का रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने बनाया उसका आयरन मैन का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्क्रिप्ट नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। और आज मैं एक्साइटेड हूँ। फेरारी मेरी फेवरेट रेसिंग ब्रांड है, ब्रांड ही कहूँगा या कंपनी कहूँगा, जो भी आप कह लीजिए। आप कमेंट्स में बताइए आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है गाड़ी में, स्पोर्ट्स कार में। मेरी तो फरारी है, इसलिए मुझे फरारी चलाने में आज। ये ला फरारी है, फरारी का ला फरारी वाला मॉडल है ये, बहुत सही है। आप बताना कमेंट्स में आपका फेवरेट कौन सा है। तो देखते हैं हम आज रेसिंग में क्या होता है। ये गाड़ी से मुझे ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि स्पीड अच्छी है इससे। पहुँचने वाले हम वहाँ पे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। नए व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूँ, और पुराने व्यूअर्स तो है ही हमारे सेट एकदम, जिनको पता है कौन सा एपिसोड क्या होता है। हर रोज़ मैं कोशिश करता हूँ वीडियो डालने की, हर रोज। तो आप एंजॉय करिए मेरा, हर रोज वीडियो डालता हूँ मैं नए नए GTA 5 के। और देखते हैं आज का वीडियो कैसा जाता है। हम आ गए यहाँ फ्यूल भरने। अरे एक चीज करना, मैं हर टाइम आप याद करो, यहाँ से मैं आता हूँ तो कोई ना कोई चल के आते रहता है सामने। फ्यूल क्यों नहीं आ रहा? हाँ, और एक चीज पहले पुलिस को मैं ऑफ कर देता हूँ, नेवर वांटेड लेवल ऑन करके, क्योंकि कितने बार पुलिस लग जाती है यार। और अब हम जाते हैं नीचे। यहाँ पे सब मॉडिफाइड गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे। अरे ये देखो रैबिट, यहाँ पे हर टाइम मॉडिफाइड गाड़ी आती है, इसलिए उनसे खतरा रहता है हमें। पहुँच गया हूँ, देखिए कौन सी गाड़ी आई। प्लीज़ मॉडिफाइड नहीं होनी चाहिए यार। चलो हम भी ज्वाइन हो गए।
कौन हमें चैलेंज कर रहा है? रेड प्रीमो कस्टम वर्सेस रॉनक्स, हमारे अगेंस्ट हो रेड प्रीमो कस्टम। अरे यार पहले रेस में बहुत पैसा रहता है इसके साथ। नहीं यार इसका मॉडिफाइड है इंजिन, इसका इंजन मॉडिफाइड है। चलो देखते क्या होता है। इसका इंजन मॉडिफाइड है, हमारे पास भी फरारी है, देखते क्या होता है। वो देखो जंप कर रहा है, उम्मीद है मैं जीतूंगा यार, बहुत पैसा लगा इस पे। ये रेस होने वाली है शुरू। अच्छी स्टार्ट नहीं यार, नहीं नहीं प्लीज नहीं। अट यार चीटिंग, पहले रेस में ही हार जाते हम। उसकी टाइम देखो कितना है और हमारा टाइम कितना है, 12 सेकेंड। इतना अच्छा होने के बावजूद नौकरी की शुरुआत बुरी रही। पहले रेस में हम पैसे हारते ही है हर टाइम, सही नहीं है यार ये लोगों को बैन करना चाहिए। मेरी इतनी अच्छी गाड़ी होने के बावजूद हारा मैं। चलो अभी नीचे, बहुत पैसे आ रहे हम। ये मॉडिफाइड वाली गाड़ियाँ यहीं पे आती है, ये देखो ये भी मॉडिफाइड है। कोई तरीका ही नहीं है इनको बैन करने का, मॉडिफाई का। मुझे एक फोटो खींचने का, कहाँ खींचो, आगे जाके खींचो, यहाँ पे खींचते यार्ड के अगेंस्ट। हो गया, कौन चैलेंज कर रहा है अभी हमें? अरे कोई सिंपल वाले लोग चैलेंज करो जिससे हमें समझ में आए कैसा हो रहा है। एकदम फाड़ू फाड़ू गाड़ियां नहीं होनी चाहिए यार। इनका रेस स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, कि वो गोल गोल घूम रहा है। लगता है फंस गया है, मुझे जाना पड़ेगा वहां। नहीं जगह पे जा रहा है क्या? हाँ अभी पहुंचा। कितने टाइम फंस जाते हैं इन लोग। पिछले टाइम में एक भी रेस नहीं जीता था वो गाड़ी लेके, और आज पहली रेस हार गया। अजीब है यार ये मॉडिफाइड। कौन चिल्ला रहा है मैप में? अरे एक उल्टा जा रहा है, क्या हो रहा है ये? 9 सेकेंड। ये मॉडिफाइड गाड़ियां तो एकदम राउडी है, कोई तरीका होना चाहिए इन्हें बैन करने का। मेरे को तो नहीं जीतना है चीट करके, नॉर्मली मैं हारूंगा तो भी चलेगा, पर चीट करके मैं नहीं जीतने वाला कभी भी। कोई अच्छी गाड़ी के साथ चैलेंज लगाओ यार। अरे मैं चैलेंज करना चाहिए ना जाके खुद, यही है क्या? इससे वो लोग मुझे सिलेक्ट करें, इससे अच्छा मैं सिलेक्ट करना चाहिए नॉर्मल गाड़ियों के साथ। कितनी बैट लगी है? काफी बैट लगी है। देखते हैं ये गाड़ी कैसे जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आते होंगे नौकरी के। ये देखो उल्टा होके जाएगा अभी, ये स्टाइल है इनका मेरे को लगता है उल्टा होके जाना। मेरी फेवरेट फरारी हार गई यार एक पहली रेस। कौन सी भी गाड़ी लाता ना तो मैं हारता ही उनके अगेंस्ट, ऐसा होता। चलो देखते हैं क्या इस टाइम मैं लकी रहूंगा। बहुत लोगों ने हम पे बैट किया है, सब ने हम पे बैट किया है सिवाय एक के। और ये रेस होने वाली है शुरू। अरे यार स्लो स्टार्ट, पर हमारे पास टॉप स्पीड है, टॉप स्पीड है हमारे पास। लेट निकला मैं पर जीते हम। यस 12 सेकेंड, 12.7, अच्छी गाड़ी है। अरे मेरे पैसे क्यों कटे? ऐड होना चाहिए ना। हाँ जीता मैं। अरे लेकिन बेट उल्टी थी, माइनस का बेट था, मुझे यकीन नहीं हो रहा।
माइनस का बैठता, यकीन नहीं हो रहा। ओ एक मिनट मैं यहाँ रुकता हूँ, कहीं ये लोग फंस ना जाए। दोनों को उल्टा होके जाने के जाएंगे लोग। तब तक मैं एक काम करता हूँ, चैलेंज करता हूँ दूसरे को, वरना हमें फिर से वो बेकार गाड़ी के साथ रेस करना पड़ेगा। जो मॉडिफाइड नहीं है उनके साथ चैलेंज करता हूँ। कोई अच्छी गाड़ी है क्या? देखता हूँ मैं जाके, इसको चैलेंज करता हूँ ना। इट विल बी ए क्लोज रेस। क्या बोलता है? हाँ बोल रहा है क्या? एक्सेप्टेड द चैलेंज, यस। चलो इसके साथ होएगा वो। अब एक ही तरीका है वो मॉडिफाइड गाड़ी से बचने का, अगर हम, कौन चिल्ला रहा है, हेल्प, अगर हम खुद चैलेंज करें। अब यही तरीका है जाके चैलेंज करने का। हमारी गाड़ी तो अच्छी है। और रेस का क्या हो रहा है? रेस में मैंने ध्यान भी नहीं दिया, रेस पूरी हुई। अरे यार ठोकने वाला था। नेक्स्ट हमारा है, नहीं नेक्स्ट हमारा नहीं है क्या? हाँ हमारा ही है, उसको किया था ना चैलेंज। कोई अच्छी गाड़ी है ही नहीं चैलेंज करने के लिए। अरे माइनस, फिर से माइनस, ये उल्टा माइनस क्यों है यार? कुछ पैसे कमाने देगा कि नहीं आज? ये दोनों आगे रेस करके देखते हम इसको हरा पाएंगे या नहीं। आया तो रेसिंग का एपिसोड आपका फेवरेट रहता है, आप जो जो गाड़ियां कहते हैं मैं ले जाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट टाइम पक्का जेंटोर्नो में जाएंगे हम मीकू को लेके। जेंटोर्नो यानी लैम्बोर्गिनी होती है। ये रेस होने वाली है शुरू। अरे यार मैंने जल्दी किया था ये इसको तो हरा दिया। कोई दांसू गाड़ी नहीं थी यार जिसको चैलेंज कर सके। कितना टाइम रहा? 12.8। पैसे तो गए हमारे। माइनस 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 क्यों बैठ रखा है यार? तो आप बताइए आपको फेरारी कैसे लग रही है? ये ला फेरारी का मॉडल, मैं ज़्यादा मार्ज इंस्टॉल नहीं किया हूँ आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि फिर गेम क्रैश होता है, इसलिए कम से कम मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो इससे पहले कि हमें कोई, इसको मैं चैलेंज करता हूँ, ये गाड़ी अच्छी लग रही है मुझे। ये एक्सेप्ट करेगा क्या? ये गाड़ी मुझे ठीक लग रही है रेसिंग के लिए। अरे इन्फर्नस चैलेंज एक्सेप्ट किया, चलो नेक्स्ट रेस अच्छी होगी। और हाँ दोस्तों, फ्राइडे को मैं क्योंकि कोई एपिसोड नहीं रहता है, इसलिए मैं GTA 4 का एपिसोड्स बनाऊंगा स्टोरी मोड फ्राइडे को, याद रखना देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक भी चीज़ नहीं रहती है फ्राइडे को बनाने के लिए, इसलिए मैं वो डालूंगा। ये पोर्शे स्टाइल की भी गाड़ी आई है यहाँ पे, लोग यहाँ कुत्ते लेके घूमते रहते हैं पता नहीं क्यों, बीच में आते शायद कुत्तों को घुमाने। ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या रेस की? फंस गए, फंस गया लगता है। अगर फंस गया है तो मुझे जाना पड़ेगा उसे ठीक करने के लिए। फंस गया, गोल गोल घूम रहा है, देखो गोल गोल घूम रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। ये जब फंस जाते हैं ना तो इनको ठीक करना पड़ता है, फिर ठोक के अब हो जाएगा। देखा, चलो हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट रेस हमारी वैसे भी, देखते हैं रेस कैसे जाने वाली। इन्फर्नस के साथ है हमारी नेक्स्ट रेस, इसने हराया था हमें पहले। अरे यार दोनों की टक्कर काटेगी एकदम, उसको हराया उसने, चीटर को चीटर ने हराया, मस्त। और टाइम तो देखो 9.14, उसका बाप मिला उसे एक, उससे भी अच्छी गाड़ी।
नेक्स्ट हमारा है, चीटर को चीटर का बाप मिला। चलो देखते हैं इन्फर्नस। फरारी तो अच्छी है गाड़ी यार। 12 सेकंड में पहुंचते हैं हम, 12.5 ऐसी कुछ। चलो इन्फर्नस को हरा पाएंगे क्या हम? थोड़ा पीछे खड़ा होता हूँ। ये रेस होने वाली है स्टार्ट। अरे यार इन्फर्नस इतना आगे नहीं, क्या लॉन्च है उसको? इन्फर्नस हमसे अच्छा निकला। क्या मैं पकड़ पाऊंगा उसे? नहीं। अरे बाबा 12.9, मैं लेट निकला यार। 12.9 तो मैं भी मार रहा था। उसका लॉन्च अच्छा था बहुत। इन्फर्नस तो हराया हमें, इन्फर्नस ने हराया। इन्फर्नस अच्छी गाड़ी है पर 12.9 हम भी मार रहे थे। इसके साथ मुझे रेस करना था यार। कोई अच्छी गाड़ी आई क्या? चलो इसके साथ करता हूँ। ये भी एक इन्फर्नस है, इसके साथ लगाता हूँ रेस। रेस करेगा क्या? एक्सेप्टेड, यस। चलो इन्फर्नस के साथ फिर से। आज तो पैसे डूब रहे हैं हमारे, बहुत फटाफट डूब रहे एकदम। गाड़ी को क्लीन करता हूँ, कहीं ये फंस ना गए हो फिर से। गोल गोल घूम रहा है क्या? इनका भरोसा नहीं होता, ये गोल गोल घूमने लगते हैं और फंस गया हो। नहीं रिवर्स जा रहा था। कमान गोल गोल मत घूम यार, सीधा जा। ये ग्लिच है इस मार्ड का, गाड़ी फंस जाती है, हमें जाना पड़ेगा। जब भी ऐसा होता है ना तब हमें जाना पड़ता है। अरे बाबा क्या जंप करी गाड़ी। वो देखो गोल गोल घूम रहा है। इसको सीधा करता हूँ। सीधा हुआ क्या? उसका दिमाग ठिकाने लाना पड़ता है। आ जा अभी रेसिंग को। तीन जन की रेस होनी चाहिए थी तब मजा आता। ये रेस होने वाली है शुरू। और क्या जंप, अरे जंप मार के जा रहा हो, व्हीली मार रही है गाड़ी। क्या गाड़ी, और ये हार गया क्या? 11 सेकंड में पहुंचा हो जंप मार मार के। ये यार रेड कॉमेट, मौका था रेड कॉमेट के पास हराने का। चलो अब हमारी इन्फर्नस से बदला लेने का वक्त। इस टाइम मैं हैंड ब्रेक दबाता हूँ और छोड़ता हूँ, फिर ऐसा ही करता हूँ। जा रहे हो लोग, दोनों के पास मॉडिफाइड इंजन था। मॉडिफाइड वालों से बचने का एक ही तरीका है, उनसे रेस ही मत लगाओ, सबसे बेस्ट। आओ आओ जल्दी आओ यार, चल लाइन पे खड़े हो जा। इस टाइम मैं भी पीछे से करता हूँ। देखते हैं, और ये रेस होने वाली है शुरू। अरे यार लॉन्च तो अच्छा था हमारा, फिर से इन्फर्नस से हारूंगा लगता है। पकड़ उसे, पकड़ 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 पकड़, कमान यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। हराया इन्फर्नस को 12.8। अरे बहुत अच्छा टाइम था। ओह अच्छा टाइम था 12.8, हमारा बेस्ट टाइम था। ऐसी गाड़ियों को हम टक्कर दे सकते हैं या हरा सकते हैं, पर वो चीटिंग वाले गाड़ी का तो कुछ नहीं हो सकता है जिनका इंजन इतना मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड इंजन वालों का कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट रेस किसकी है? मॉडिफाइड वाली की और मॉडिफाइड वाली की। अच्छा है, जाओ दोनों जन, तब तक मैं दूसरा ढूंढता हूँ कोई। एक इन्फर्नस है और एक ये है, किसके साथ करूँ? दोनों में से ये ठीक लग रहा है मुझे।
ये वाली गाड़ी ठीक लग रही, सामान वामान है इसके पास, रेस करेगा क्या? अरे एक्सेप्ट किया, चलो अच्छा है। अब यही एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं वो मॉडिफाइड गाड़ी के मुकाबले। यहाँ गाड़ी ना हर टाइम गंदी हो जाती है, रेती वेती लग के। रेती यानी मिट्टी को रेती कहते हैं मुंबई में। कितने लोगों को शायद समझ में नहीं आता होगा मैं क्या कह रहा हूँ, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करता हूँ। शायद रेती यूज़ होता है पूरे इंडिया में, सिर्फ मुंबई का नहीं है, पता नहीं। रेस स्टार्ट हुई है, रेस देखने में ही उतना मज़ा आता है जितना पार्टिसिपेट करने में। ये तो जीत गया आराम से। अरे लेकिन स्लो हो रहा है, पीछे वाला आ रहा है और ये आ रहा है, क्या हो रहा है? फंस गए दोनों जन, कौन जीता? अरे 9.5, 9.3, दोनों जन। क्या टाइम था यार दोनों का? हाँ मॉडिफाइड थे ना इसलिए। इस बार $6,000 रखा है बेट। आया क्या गाड़ी वाला, देखते हैं। फेरारी तो ठीक ठाक काम कर रही है। पहले रेस, अभी मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है, कभी भी मैं ऑटोमेटिकली नहीं रुकूंगा, खुद जाके रेस लगाऊंगा। भले एकदम बेकार गाड़ी क्यों ना हो पर ढंग से तो खेलेंगे हम। वो मॉडिफाइड वाला के अगेंस्ट नहीं करना है मुझे, बिल्कुल नहीं करना है। चीटर्स हैं इन लोग, ये लोग आपस में ही रेस कर ले तो ठीक है, देखते हैं। और ये रेस होने वाली है शुरू। बेचारे के पास कोई चांस ही नहीं है, पर हम 12.8 को तो बीट करने की कोशिश करते हैं। कितना था? 12.7, अच्छा था यार 12.7। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी बेचारे गरीब को लूटने के बजाय। हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी, या तो फिर इन्फर्नस के साथ लगा था, यह चॉइस था मेरे पास। ओ ये कौन सी गाड़ी है, इसके अगेंस्ट ही लगा लिया होता। चलो वो लाल वाली गाड़ी है ना, उसके अगेंस्ट लगाते हैं। ये लाल वाली गाड़ी के अगेंस्ट लगाते हैं, इसके अगेंस्ट क्या बोलते हैं? एक्सपेक्ट्स टू लूज। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोल, नहीं तो मैं दूसरे के साथ। एक्सेप्ट्स द चैलेंज, अरे वाह चैलेंज एक्सेप्ट किया आज बहुत सारी। ए ठोका, ओह नो मर गया क्या? क्या कर रहा है यार, मेरे गाड़ी को मत ठोक। कर क्या रहा है यार बेचारे को, पर उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, सिगरेट पी रहा है अपना। मैं अपनी गाड़ी थोड़ी साइड में कर देता हूँ। चलो देखते हैं रेस मैप में। और ये रेस होने वाली है शुरू, देखते हैं। और ये रेस स्टार्ट हो गई है, एक की शुरुआत बहुत अच्छी है, दूसरा बहुत स्लो है और बुरी तरह से हारने वाला है लगता है। देखते हैं हारने वाला है। 13 सेकंड, 13.8 ठोका उसने उसे। नेक्स्ट हमारा है, क्या बोलते हो दोस्तों, ये लाल वाले को हम हरा पाएंगे? दो लाल कलर वाले गाड़ियों की रेस है। बस $1,300, $1,300 ही बैठे। टेम्परेचर में लाते हैं टायर को। आ जा भाई, किधर छुपा है, छुप छुप के आ रहे क्या? आ जा, पता नहीं हाँ, गाड़ी अच्छी भी हो सकती है दोस्तों, गारंटी नहीं है। आज मजा आ रहा है रेसिंग करने में। रेस होने वाली है शुरू, बुरी स्टार्ट हमारी, पर गाड़ी को पावर ज्यादा है, उस बेचारे के पास पावर नहीं है। हराया हमने उसे, कितने टाइम में हराया?
12.7 यार, अच्छा अच्छा टाइम मार रहे हम अभी। कोई अच्छी सी स्पोर्ट्स कार है क्या रेस लगाने के? मॉडिफाइड वाले के अगेंस्ट नहीं जा सकता यार, वो चीटिंग करते हैं हम लोग, हार जाएंगे हम, मजा नहीं आएगा। ये क्या नई गाड़ियां है ये क्या? इसके साथ करना चाहिए था पुलिस। अरे अरे ये क्या हो रहा है? वो लड़की कहाँ जा रही है? उसका काम तो पुलिस को मारना नहीं है। अरे भाई रेस कैसे होगी? रेस कैसे होगी अब? सब चीज रुक गया है यहाँ। खड़े हो जाओ भाई जहाँ आपका जगह था। पुलिस को देख के भागे हो? हाँ ये लोग फिर जिंदा हो गए। क्या सीन था वो? और पुलिस कहाँ से आया मालूम नहीं? पुलिस तो मैंने बंद रखा है, पुलिस मेरे पीछे नहीं लगेगी ऐसा मैंने बंद रखा है। तो चलो गाड़ी ढूंढते हम, गाड़ी ढूंढते। मॉडिफाइड वाला नहीं यार, वैन। चलो वैन के अगेंस्ट करते, क्या पता वैन हमें हरा दे। क्या बोलता है दोस्त, रेस करेगा क्या? डजंट रियली फील कॉन्फिडेंट। एक्सेप्ट करता है क्या? एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट कर। हैज रिफ्यूज, नहीं बोला उसने। फिर कौन बचा है? ये बचा है, वो बचा है। इसके अगेंस्ट किया है ना हमने, इन्फर्नस के अगेंस्ट फिर करते। चलो रेस करेगा क्या इन्फर्नस? फिर से तीसरी बार एक्सेप्ट किया। चलो इन्फर्नस के अगेंस्ट टक्कर की लड़ाई होगी एकदम। अरे 9.7 और इन्फर्नस इतना, अगर हमने अच्छा लॉन्च नहीं किया ना तो हम हार सकते हैं इन्फर्नस के अगेंस्ट। अरे रे रे रे, रोक मत यार। एक इन्फर्नस ही ऐसी गाड़ी है, यहाँ पे ज़्यादा स्पोर्ट्स कार नहीं आती है। वो एयरपोर्ट वाले रेस में बहुत सारी स्पोर्ट्स कार आती है। अरे रोड कैसे, अरे ये देखो और एक लैम्बोर्गिनी। इन्फर्नस है क्या? मुझे तो मजा आ रहा है और रेस करने का मूड हो रहा है। देखते हैं ये रेस होने वाली है, और ये रेस होने वाली है शुरू। उसको अच्छी लॉन्च मिली है, वो हमसे भी अच्छा लॉन्च मिला यार। उसे कॉन्फिडेंट नहीं था पर हरा दिया हमें। क्या हम हरा सकते हैं उसे? नहीं। कितना मारा उसने? 12.7 और 12.8, बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज था यार। ये फाइटर जेट, एक आखिरी रेस करते हम, जो भी होगा वो हम अपने आप, मैं किसी को चैलेंज करने नहीं जाऊंगा। मतलब जो भी मिलेगा उससे हम रेस करेंगे, भले वो मॉडिफाइड वाला क्यों ना हो। इसके बाद हमारी रेस होगी, देखते हैं किसके साथ होगा। ये वैन वाले ने तो मेरे को ना बोला पर उसको हाँ बोला। अरे ये मॉडिफाइड वाला रेस करेगा क्या? इसके साथ मुझे रेस करना था। Doesn't feel really confident, हाँ या ना? क्या बोलता है भाई? Refused. तो अब हम उन्हीं के भरोसे हैं। ये और एक गाड़ी है, ये गाड़ी भी नहीं है। रेस करेगा क्या? एक्सेप्ट किया। चलो ये फाइनल रेस होगी दोस्तों। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा चैनल बढ़ रहा है आगे। और मेरी कोशिश रहती है हर टाइम कि जो भी मेरे फैंस कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपको फ्रेंड्स कहता हूँ क्योंकि आप मेरे फ्रेंड जैसे। जो भी आप लोग बोलते हो मैं कोशिश करता हूँ करने की। और ज़ेंटोर्नो यानी जो लैम्बोर्गिनी है, पक्का मैं नेक्स्ट रेस में लेके जाऊँगा दोस्तों। एयरपोर्ट वाली रेस होगी ना, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। बहुत दिन हो गया था फेरारी ट्राई नहीं की थी, इसलिए आज फेरारी ट्राई करना था।
देखते हैं ये फाइनल रेस हमारी कैसी होगी। वो तो एकदम आराम से खड़ा है, और ये क्या स्पीड है, और ये देखो दूसरा कितना स्लो है, 9.3, 9.3 मारा उसने, और दूसरा वाला, और एक नई गाड़ी है, 18.14, इतना स्लो। एक समारा है अभी, चलो इसके अगेंस्ट है, फ्यूल भी खत्म होने वाला है अभी वैसे भी। आज का नौकरी का एपिसोड खत्म होने वाला है अभी। अरे ये गाड़ी, इसके साथ मुझे रेस करना था, इन्फर्नस है क्या, इन्फर्नस है विंग लगा के। चलो चलो चलो, ये फाइनल रेस है हमारी। आपको क्या लगता है दोस्तों, जीतेंगे क्या हम? और कमेंट में लिखना आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है गाड़ियों की, जैसे ऑडी, मर्सिडीज बेंज, फेरारी, लैम्बोर्गिनी कौन सी कंपनी की है वो नहीं मालूम मुझे, लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी की है ना। और ये रेस होने वाली है शुरू, बेचारे को अच्छी शुरुआत मिली, पर हमारे पास पावर है, कोशिश कर रहा है वो हराने की, पर हम जीतेंगे। बस देखते हैं टाइम कितना है, 7 के नीचे क्या, 12.8, 12.7 नहीं मारा यार। तो ये था आखिरी रेस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा आज के एपिसोड में। देखिए अंधेरा होने आया है, तो हम मिलेंगे फिर अगले नौकरी के या मुंबई पेट्रोल के एपिसोड में मिलेंगे हम, जब हम हाईवे पेट्रोल करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस देखिए, एंजॉय करिए, देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे फिर से मुंबई पेट्रोल के एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय।